फिर आ गया आप लोग का सामने में हकीम मोहम्मद अली हुसैन खान। एक जोठिल और कठिन बीमारी का दवाई के बारे में जानकारी देना चाहता है। जैसा दाद होता है, जैसे चक्का चक्का दाद होता है, सबको होता है, नारी पुरुष सबके लिए, लेकिन ये जो चक्का चक्का होता है लेकिन दवाई खाने से भी नहीं जाता है, लेकिन मेरा ये आजमाने वाला दवा है, आप कीजिएगा तो जरूर ठीक हो जाएगा। जैसे पपीता होता है, पपीता कच्चा, पपीता का एक कच्चा पपीता लेते आइए घास से तोड़ के, उसमें दूध निकलता है, काटने से दूध निकलता है। जैसे दाद होता है, दाद चक्का चक्का होता है, अभी खुजली होता है, पानी रस पानी निकलता है उसमें से, तो वही दांत का ऊपर वही पपीता का दूध जो आठा निकलता है, वही आठा उसमें डालिए, थोड़ा लगा दीजिए। लगाने से क्या होगा आपका, वही जगह वही दांत का जगह जल जाएगा, थोड़ा जलन होगा, लेकिन जिंदगी भर के लिए आपको बीमारी चला जाएगा। क्या वही जगह जो दांत होता है, वही दांत का क्या कीजिएगा, पपीता का दूध दे के कुछ टाइम उसको छोड़ दीजिए, वहाँ आस्ते आस्ते धीरे धीरे आपका थोड़ा जलन होगा, लेकिन उसमें क्या होगा आपका वो घास जल जाएगा। जलने का बाद उसमें आप क्या कीजिएगा, कोई भी मलम, कोई भी अच्छा कंपनी का कोई भी मलम, घाव सुखाने वाला मलम उसके ऊपर लगाइए। अभी सोचिए वो जिंदगी भर के लिए आपका वो बीमारी चला गया, दाद आपका हमेशा के लिए खत्म। पपीता का दूध इतना काम का चीज है, लगाइए, दाद हटाइए, सुस्त रहिए। फिर मिलेंगे अगला वीडियो के साथ, नया बीमारी का दवाई का जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।